नमस्कार, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ट्रेनर। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। कारण क्या है? या फिर मैं तीन टिप्स बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ तीन टिप्स, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके अंडर में बहुत ज़्यादा टीम है, आप अगर बिजनेस करते हो तो बहुत बड़ा टीम है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुनने के लिए आप क्या करेंगे? लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपको रेस्पेक्ट करें, ऐसा अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तीन टिप्स मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ। पहला टिप्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी का क्रिटिसाइज मत करना है आपको, ठीक है? चाहे सामने हो या फिर पीछे हो, देख के भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। कुछ गलत कर रहा हो तब भी, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान के हमेशा चले। देखिए, लोगों को ना क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो आपको ये ध्यान में रखना है होगा कि ना ही उसके सामने आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है, या ही ना ही उसके पीछे आप किसी और के साथ उसके बारे में कोई क्रिटिसाइज करना है। कभी कंप्लेन नहीं करना है आपको उसके बारे में, किसी को कंप्लेन नहीं करना, अरे इसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, कभी यह कंप्लेन नहीं करना। अपने अंदर रखिए उस बात को, अपने अंदर दबा के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर कर नहीं पा रहे हैं तो मैं सिंपल सा टिप्स बता रहा हूँ आपको, ये कैसे करेंगे आप। सुबह उठिए, बिस्तर से जब आप पैर जब मिट्टी पर रखेंगे, तब सिर्फ एक ही बात बोलिए, पीपल आर नाइस, पीपल आर नाइस, सभी अच्छे हैं। जब आप ऐसा फील करते हैं कि पीपल आर नाइस, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं हो जाता, आप किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई खराब कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीपल आर नाइस, वो उसका कैटेगरी है, वो उसके लिए ही बना है, वो ऐसा करने के लिए बना है, आपका तो कुछ आता जाता नहीं है। अगर जाता है, आता है, तब भी आप रुकिए यार, अगर आप चाहते हैं आप लोगों को हैंडल करना। दूसरा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, कुछ कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए, ऑनेस्ट अप्रिशिएशन, अप्रिशिएट कीजिए, अरे यार बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। कभी ये मत बोलना, अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, कभी मत बोलिए यार। आप बोलिए कि अच्छा कर रहे हो, आप उसको सजेशन दे सकते हैं, अच्छा कर रहे हो, इसको अगर ऐसा करोगे तो और बेटर हो सकता है, ऐसा बोल के आप सजेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं आप उसको। तो ऐसा करने से भी लोग आपकी बात को मानना स्टार्ट कर देंगे और आप किसी को हैंडल कर पाएंगे आसानी से। आपने जिसको बोला, लोगों को ना अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नंबर थ्री, तीन नंबर है आपका है ग्रेटिट्यूड। आपके टीम में किसी ने कोई अच्छा काम किया है, उसको बोलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स कीजिए उन लोगों को। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो ये जो तीन टिप्स है, इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए, 100% मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। कभी आपने देखा कि आपके टीम के लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके भाई बहन कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहे, आपने कुछ काम दिया वो लोग नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन मत कीजिए कि उसने तो ऐसा नहीं किया। कभी कंप्लेन नहीं करना, आप नहीं किया मन में रखिए, आपने अंदर रखिए और आप खुद उसको करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड हो जाती है, ठीक है? जब आप ऐसा करेंगे तो वो देखेगा, अरे यार मुझे बोला था मैंने नहीं किया, फिर भी इसने किया। दूसरों को बोलेगा, नहीं मैंने नहीं किया था, उन्होंने ऐसा किया था। तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपका भी बिल्ड हो जाएगी। तो लीडर कौन बनने के बाद आपको क्या होगा, दूसरे लोगों को आप हैंडल कर पाएंगे, दूसरे लोग आपकी बात सुनने लगेंगे और आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये जो तीन टिप्स मैंने आज बताया है, ये तीन टिप्स आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, कहीं पर भी आप अप्लाई कीजिए, आप आसानी से लोगों को हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बात मान के चलेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, सच में अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक का बटन दबाइए, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप जो है अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने बिजनेस मेंबर्स सभी के पास आप इसको शेयर कीजिए व्हाट्सअप और फेसबुक पे। अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, आप कुछ भी अगर सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। और मेरा जो ईबुक आया था कि आप अमीर बनना चाहते हैं, उसका अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर पर्सनली कुछ अगर ऐसा बुक पढ़ना चाहते हैं कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, तो उसका भी एक लिंक मैंने दिया हुआ है, एक बेस्ट बुक का, उसको भी आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, उन्नति करते रहे और अमीर बनते रहे। नमस्कार।